नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश स्वराज मंच ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील परिसर के सामने धरने पर बैठे हैं किसान। इनकी प्रमुख मांगों में किसानों को जो पट्टे दिए गए हैं उन्हें वहीं पर स्थायी कराया जाए। इसके साथ ही दबंगों द्वारा जमीन अतिक्रमण करने के मामले में दबंगों से जमीन को छुड़वाकर वापस किसानों को दिया जाए। साथ ही किसानों को जो भी दिक्कतों का सामना तहसील में करना पड़ता है उन सभी से उनको निजात दिलाई जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर मध्य प्रदेश स्वराज मंच धरने पर बैठा है। वहीं प्रशासन से जल्द ही जल्द अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश और कवायद जारी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज मंच जिंदाबाद। स्वराज मंच, स्वराज मंच, स्वराज नहीं हो पाता क्रियान्वयन न होने के कारण जनता का शासन द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ ना मिलने के कारण विकास रुकने से हमारे जन जन, हमारा आम आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए स्वराज मंच की स्थापना की गई है। ये शासन के जो भी कार्य हो तो मध्य प्रदेश स्वराज मंच जिला शाखा गुना द्वारा ये धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दबंगों द्वारा छोटे किसान, गरीब जो कमजोर किसान हैं, उनकी ज़मीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। उन कब्जों को अविलंब बंटवाया जाए। जिन किसानों को वर्षों पहले पट्टी दिए गए थे उनके अमल नहीं हुए हैं, अमल कराए जाएँ। और जिनके सीमांकन होना है उनके समय सीमा में सीमांकन होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये मूलभूत मांगे हैं। किसानों की मुख्य समस्याएं हैं और दबंगों से ज़मीनों को मुक्त कराया जाए, छोटे किसानों को राहत मिल सके। कई किसानों की किताबें नहीं मिल पा रही हैं, तहसील में किताबें नहीं हैं, किताबें उपलब्ध कराई जाएं और किताबें मिलने से उनको ऋण और आपका कर्जा वगैरह खाद बीज लेने में उनको सहूलियत होगी। समस्याएं हैं, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग, मुख्य मांग किसानों की समस्याओं का। बमोरी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 29 करोड़ के पुल एवं पुलिया। मध्य प्रदेश सरकार ने बमोरी विधानसभा में बनने वाली पुलिया एवं पुल के लिए 29 करोड़ की स्वीकृति दे डाली है, जिसके लिए बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने क्षेत्र की जनता एवं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी। अक्सर बमोरी क्षेत्र में बारिश के समय में लोगों का आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ रास्ते भी बारिश के समय बंद हो जाते हैं, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि निर्माण कार्य होने के बाद ऐसी दिक्कतों का सामना बमोरी की जनता को नहीं करना पड़ेगा। पर समस्या पर यह है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, कब इन पुलियों का निर्माण का टेंडर निकलेंगे और कब इनको बनाया जाएगा। वहीं बारिश में होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर रखते हुए इन पुलियों का निर्माण के लिए पैसा तो स्वीकृत हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बारिश के मौसम में जनता को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा और यदि इसके बाद आचार संहिता लग जाती है तो ये काम अधर में ही लटक जाएगा। फिर क्या फायदा इन 29 करोड़ रुपयों की स्वीकृति का जब आमजन को इसका लाभ ही न मिल पाए। कलामपुर तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, विगत कई वर्षों से बमोरी विधानसभा क्षेत्र के जो मुख्य पुल हैं जिनकी वजह से बारिश के समय में संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने लगातार उसमें प्रयास किया और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 29 करोड़ रुपए के पुल और पुलिया मध्य प्रदेश शासन ने PWD ने स्वीकृत किया। इस स्वीकृति पर मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि इन पुलों में सबसे महत्वपूर्ण पुल भौरा नदी का पुल था। भौरा, मगरोला, कांसर और आपका झागर, ये पुल ऐसे थे जो पूर्ण रूप से जिनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता था और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई तो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सर, इनका काम कब तक पूरा हो जाएगा? इसका टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी और जल्दी जल्दी टेंडर होने के पश्चात में ये काम प्रारंभ होगा। इससे पूर्व PWD से ही 6 करोड़ रुपये की मैंने पुल पुलियाँ और कराई थी जो बमोरी के रास्ते में और हमीरपुर पार्टी के रास्ते में। इस तरह काफ़ी 30 करोड़ के काम करीब करीब पुल पुलियों का हमने स्वीकार किया।
विधि महाविद्यालय की मान्यता रद्द कर देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं छात्र संघ DSO ने बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष एवं सचिव को इस हेतु ज्ञापन भी दिया। इसके साथ ही जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन भी दिया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। वहीं आज छात्र संगठन ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। राय देखा गया कि विधि विद्यालय की मान्यता पहले भी रद्द की गई थी, जिसके बाद उसे पुनः शुरू कर दिया गया। वहीं इस बार देखने लायक होगा कि इस महाविद्यालय की मान्यता क्या वापस मिल पाएगी। वहीं इस विधि महाविद्यालय में केवल एक ही लेक्चरर है जो वहां के प्राचार्य भी हैं। अभी तक वहां पर किसी अन्य प्रोफेसर की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है जीवाजी यूनिवर्सिटी। सीधी कर लो, बीच में सीधी। समस्या का समाधान करने में सहयोग कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी की भूमिका का निर्वहन। तुम बता दो ना, उनकी पावर में LLB जो महाविद्यालय है उसकी जो मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया है, इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। और आज यहाँ पर गुना जिला कोर्ट में हम सभी जो LLB जो महाविद्यालय है उसकी मान्यता बहाली की मांग को लेकर के उनके समर्थन में सभी से सिग्नेचर करा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, हम लोगों ने जो बार काउंसिल गुना बार काउंसिल है उनके सचिव हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनको एक ज्ञापन भी दिया है। उसमें हम लोगों ने मांग किया कि उनकी तरफ से जो भी प्रयास किए जा सकते हैं LLB की मान्यता को बचाने के लिए, उनकी तरफ से भी प्रयास किया जाना चाहिए। और सभी छात्र यहाँ पर मिलकर अपील कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि जो भी जो निर्णय है वो अविलंब इसको मान्यता बहाल की जाए LLB बिल्डिंग की, नहीं तो छात्र और आगे आने के लिए बात। अभी तक सुनने में आ रहा था कि चिटफंड कंपनियां आमजन एवं भोले भाले नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करती हैं। वहीं आज एक ऐसा मामला सामने आया जो हैरान कर देने वाला था। एक महिला ने वर्ष 2015 में डाकघर में खाता खुलवाया, जिसमें महिला के द्वारा 50,000 रुपए जमा कराए गए, जिसकी एंट्री उसकी किताब में भी मौजूद है। अब जब महिला अपनी बेटी की सगाई समारोह के लिए पोस्ट ऑफिस पैसा निकालने के लिए पहुंची, तब उसे पता चला कि उसके खाते में तो केवल 22,000 रुपए ही हैं। यह जानकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। बता दें कि कल्लूबाई नामक महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए डाकघर में एक खाता खुलवाया था। यह खाता ये सोचकर खुलवाया था कि जब उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इस खाते में से पैसा निकाल लेगी। अब जब महिला की बेटी की शादी तय हो गई है और उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो पैसा निकलवाने के लिए वह पोस्ट ऑफिस पहुंची, तो किसी ने उसे बताया कि उसके खाते में मात्र 22,000 रुपए ही है, जबकि महिला की किताब में 50,000 रुपए की एंट्री है। महिला कई दिनों से डाक विभाग के चक्कर इस आशा में काट रही है कि उसका पैसा उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज आखिरकार हार कर महिला ने डाक विभाग के अधीक्षक से मिलने पहुंची, जहां उससे फिर एक बार आवेदन लिया गया। महिला का आरोप है कि उसे लगातार चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उसे परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी उससे ठीक से बात तक नहीं करता। वहीं जब हमने डाक विभाग के अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला 3 साल पुराना है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो भी गफलत हुई है उसे जल्दी जांच कराकर निराकरण कर दिया जाएगा। समस्या पर है कि कैसे शासकीय विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है, या फिर उस महिला के साथ इतना बड़ा धोखा किस कर्मचारी ने किया होगा। अब उस कर्मचारी तक पहुंच पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। वहीं उस महिला का क्या कसूर जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ कर रखा और अब उसे पैसा वापस ही नहीं मिल पा रहा। यदि राष्ट्रपति ने नियम बना दिया मैंने लड़की के नाम आज से 3 साल पहले 50,000 रुपया काउंटर पे आकर जमा करी, और मैंने जमा करके मैंने पूछी मैडम जमा होगा, तो मैंने बोला का होगा तुम्हारा जमा कहना, आप तो किताब संभाल के रखना, किताब मत खो देना, जब तुम्हें पैसन की जरूरत पड़े जब किताब लेकर आ जाना। तो मैंने मेरी लड़की को लाने जमा करी थी तो हम जरूरत पड़ रही, तो मैं किताब की 1 महीना पहले एंट्री कराने आई। जरूरत क्या है आपकी पैसे से? जरूरत घर में ही पड़ रही है, जरूरत का चूँ भाई सगाई मगाई और का हमें घर में भी चल रही जरूरत पड़ रही पैसन के लाने। तो मैं आई किताब की एंट्री कराई, मैंने एंट्री करा के और मैं गेट पे आई चैनल गेट पे, तो मैंने एक पढ़े लिखे व्यक्ति से किताब पढ़वाई, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके जहाँ में 22,000 रुपया भाई, तो मैं घबरा गई, मैंने सोचा मैंने तो 50,000 रुपये जमा करे हैं और मेरे 22,000 रुपये कैसे बन रहे हैं जहाँ। तो मैंने जाके मैडम ही बताई काउंटर पर ही,
जो मैडम आवे एंट्री करी उन्होंने कि भाई रुको बैठो अभी आध घंटा हम सही करा रही हैं। मैडम ने मुझसे ऐसे बोला तो मैं बैठी रही बाहर है काउंटर के बाहर है, किताब मेरी अंदर ले कर रख ली। मुझसे फिर तीन घंटा बाद बोले साहब अंदर की मैडम के पीछे जो साहब बैठते हैं छोटे वाले कहना आप है ना सोमवार के रोज़ आना। तो फिर मैं सोमवार के रोज़ आई तो उसी दिन अभी मुझे तीन घंटा बाहर बैठा रही काउंटर से किताब लेकर अंदर रख ली मेरी अंदर ले गए किताब के लाने। तो अभी तीन चार घंटे में मुझे किताब बाहर ला के दई तो मुझसे फिर बोले कि आपके जहाँ पर जमा पर्ची में 20,000 रुपये जमा है 20,000 माने जाएंगे आपके भी बतौरी माना जाएगा। तो मेरे को मैं चली गई घर पे, घर चली गई तो मैं फिर मैं दोबारा की जाई तो मैं ऊपर गई साहब का ने मुझसे कोई ना कही तो सामने बोली आप एक जहाँ आवेदन लगा सकती हूँ ऊपर लिख के। तो मेरी लड़की बुलवाई गाँव में ऐसे में तो मेरी लड़की से आवेदन लिखवा के सामने देकर मुझसे बोला आपका 2-4-8 दिन में आपका पैसा का जांच हो जाएगी पता चल जाएगा। तो 15 दिन होगा मुँह को फिरते फिरते किसी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है तो अकेले लगे क्या ना कौन हाथ का पैसा है तो दिल लगेगी निकालवे में ऊपर जांच में लगाए। फिर आए फिर दोबारा जांच में कागज़ बनवा के लगवा लाए मुँह से फिर कह दी कि आपके 15 दिन में जाँच मिलेगी आपके पूरे पैसा मिल जाएंगे। तो फिर मैं आई तो फिर मेरे से कोई सीधे नहीं बोलता फिर कहते हैं कि 2-4 दिन और लगेंगे तो मुझे 1.5 महीना होगा भटकत भटकत। हाँ एक ग्रामीण महिला एक दिन आई थी यहाँ ऑफिस और उसने मुझे बताया था कि सर मैंने 50,000 रुपये जमा किए हमारे पास में 50,000 की एंट्री है और यहाँ पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि आपके में 20,000 सामने इस प्रकार से बोले कि हमारा जो 30,000 का डिफरेंस है तो हमने उनसे कहा कि लिखित शिकायत दो तो उसने लिखित शिकायत दी है जिसको हमने जांच की थी इंस्पेक्टर मिस्टर भार्गव हैं उनके अंदर में हेड ऑफिस आता है हेड ऑफिस में उसका अकाउंट लड़की के नाम से खोला गया है। तो मामला जो कि 3 साल पुराना है तो अभी इसके संज्ञान में आया है तो वो हमने दिया है कि इसको देखें कि किस स्तर पर क्या 1,50,000 जमा हुए या 20,000 जमा हुए तो 3 स्लिप 20,000 की है। क्या है कि दो चीज़ें होती हैं जब कोई पैसा जमा करना जाता है काउंटर पर पोस्ट ऑफिस में उसको एक 3 स्लिप जमा पर्ची जिसको कहते हैं भर के देना पड़ता है। तो जमा पर्ची में तो 20,000 दर्शाए जा रहे हैं और पासबुक में 50,000 बैलेंस बताया गया तो ये दोनों जो पासबुक और जमा पर्ची ये डिपोजिटर का होता है जमा करता है तो उसका कहना है कि नहीं सर हमने 50,000 की पर्ची भरी थी। तो अभी हम ये भी जांच करेंगे कि वो पर्ची तो चेंज नहीं हुई ठीक है। अब वो मामला संज्ञान में आया है और हम ये भी देखेंगे कि यदि 50,000 उसने जमा किए तो जो संबंधित काउंटर क्लर्क था तो भले ही उसने हिसाब में 20,000 ली हो तो 30,000 रुपये बढ़ना चाहिए तो वो आप बद्री के हेड कहते हैं इसमें ऐसे पैसा जो बढ़ जाता है अकाउंट खोल नहीं हो पाया किसी अकाउंट में तो वो जमा करना पड़ता है उसको बताना पड़ता है कि एक एरर लिखते हैं मेंटेन करते हैं आज हमारा हिसाब मिला हमारे इतना भी राश तो उसकी भी चूंकि 3 साल में लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो गया तो हम उस डेट में जा करके उसकी भी जाँच कर लें इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जमाकर्ता की शिकायत से भी सहमत हूँ लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए कि हो सकता है मैं नहीं कह सकता कि जब पर्ची 20,000 की है और पासबुक में तो दोनों जमाकर्ताओं के रहते हैं ना दस्तावेज तो उसको जमाकर्ता की जिम्मेदारी रहती पर्ची कोई पोस्ट ऑफिस कर्मचारी नहीं बनता। मैंने जैसा आपसे बोला कि हम केवल इसकी जाँच और कर लेंगे कि या उसके द्वारा भरी हुई पर्ची कहीं चेंज तो नहीं हुई तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कथन असत्य है कि उसने 50,000 जमा नहीं किए लेकिन पर्ची में 20,000 दिख रहे हैं। अब नहीं नहीं आपको बिल्कुल विदित है कि ये पोस्टल डिपार्टमेंट में 5 पैसे का गबन में डिसमिस फ्रॉम सर्विस होता है। ये देखिए ये बैंक हुए पोस्ट ऑफिस हुए यहाँ इनकी विशेषता बहुत जरूरी है। यदि वो ऐसा पाया जाता है कि ये 30,000 का गबन हुआ यदि वो पैसा हिसाब में नहीं मिलता है ये प्रूव होता है कि हाँ चीटिंग हुई है तो बहुत उच्च स्तरीय कार्रवाई होती है जिसको मेजर पनिशमेंट वाली कहते हैं ठीक है। और मैं जनता को बिल्कुल भरोसा दिलाना चाहता हूँ आज तक किसी भी पोस्ट ऑफिस में किसी की भी पैसे की चीटिंग स्वीकार विभाग नहीं करता। यहाँ दो बातें पोस्ट ऑफिस में बहुत सघन रूप से मान्य है
एक डिसिप्लिन जस्ट लाइक आर्मी और पैसे का, क्योंकि करोड़ों यहाँ जो हमारा जो बचत खाता है वो है ही गरीबों का और उनकी विशेषता खत्म हो गई, तो हमने उसको संगठनता से लिया है, उसकी जांच हो रही है और जल्दी से जल्दी हम उसका निराकरण करेंगे। ठीक है, जैसा आपने किसी पे गवर्नर साबित होता है जी, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर हमारे यहाँ है कि अगर 20,000 से ऊपर है FIR भी करते हैं हम लोग, और अगर उसको लगता है जमाकर्ता को कि डाक विभाग विलम्ब कर रहा है तो बहुत स्वतंत्र है FIR कराने के लिए, क्योंकि वो एक दंडनीय अपराध है जो चोरी है या गबन है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी आता है ना, तो वो भी स्वतंत्र है कि वो जाकर के अपनी FIR दर्ज कर सकता है। विभाग जब जांच करने का, अगर तो विभाग को लगा कि ये गबन है तो FIR भी होती है और डिसिप्लिन की जरूर होती है। आपका नाम सर? मैं BS तोमर अधीक्षक डाकघर गुना संभाग गुना हूँ। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये आश्वासित करना चाहता हूँ जनता को, चाहे वो सुकन्या खाता हो, कोई भी खाता हो, अगर पोस्ट ऑफिस में किसी प्रकार की आर्थिक न्यूनता को कर्मचारी करता है तो हम बिल्कुल उससे उस कड़ी कार्रवाई करेंगे। इंजीनियर ON शर्मा की जीवन संरक्षण यात्रा पहुंची देहाती क्षेत्रों में। म्याना से प्रारंभ हुई जीवन संरक्षण यात्रा 15 जून से 14 सितंबर तक चलेगी। यह यात्रा मोरखेड़ी, माधोपुर, डुंगासरा, हिनोतिया, तिनस्याई, वसारा इत्यादि संपूर्ण गलियों में घूमते हुए बच्चों, बुजुर्गों एवं नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करेगी। यात्रा के संयोजक इंजीनियर ON शर्मा ने बताया कि मैं काफ़ी खुश हूं क्योंकि मुझे सभी समाजजनों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। समाज सेवी ON शर्मा ने बताया कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जनता इतना समर्थन देगी। यात्रा का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना और पानी बचाव है। पानी की बात अपन पेड़ों की। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।